सर दो मिनट का और इंतजार चल रहे हैं, चूंकि ये कमाऊं लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए और उसके बाद 15 तारीख को जो नहीं हो पाया था, जिसमें हमें नाकामयाबी मिली थी, थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ा था, उस तमाम तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के बाद अब वो वक्त आ गया है जब चंद्रयान 2 मिशन के लिए निकलने की पूरी तरह से तैयार है। 640 टन भार वाला ये रॉकेट ऊपर उठता है, जैसे जैसे ठोस सोडक सुजलित होता जाता है इसकी गति बढ़ती जाती है। On your screens, Chairman ISRO Dr. Shivan, flanked by Director of Satish Dhawan Space Center. Now, again, a view of Mark 3 on the launch pad, undergoing final checks. The GSL Mark 3 is the heaviest क्यों? क्योंकि चंद्रयान 1 के बाद ये चंद्रयान 2 का हम जिक्र कर रहे हैं, और अगर जिस रॉकेट की हम बात कर रहे हैं, GSLV MK3 रॉकेट की अगर बात की जाए, तो 18 दिसंबर 2014 को पहला GSLV Mach 3 भेजा गया, दूसरा 5 फरवरी 2017 को, तीसरा 14 नवंबर 2018 को भेजा गया। इस मिशन की भी अगर बात की जाए, तो ये मिशन भी पिछले साल होना था, फिर डिले होता रहा, फिर अल्टीमेटली एक डेट आती है 15 जुलाई, वहां पर कुछ त्रुटि हो गई। स्क्रीन आपके सामने विजिटर्स गैलरी है, और विजिटर्स गैलरी में आपको एक तरफ जग्गी वासुदेव दिखाई दे रहे हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति भी यहां पर मौजूद हैं। 8 मिनट 12 सेकंड के बाद लिफ्ट ऑफ। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 को सिर्फ चंद्रयान 2 मत देखें, चंद्रयान 2 को चंद्रयान 3 के लिहाज से देखें, जब इंसान को भेजा जाएगा चांद पर, और वो है 2022 का मिशन, और उसके लिए ये मिशन एक सबसे महत्वपूर्ण पायदान है। 7 मिनट 52 सेकंड, ये देखें चीफ साइंटिस्ट यहां पर, हर कोई अब बस इंतजार कर रहा है कि कब होगा लिफ्ट ऑफ। ये जो 7 मिनट है, ये 6 मिनट है, ये जो काउंटिंग हम कर रहे हैं, ये जो काउंटडाउन है, इस काउंटडाउन में होता क्या है, ये बड़ा जानने वाली बात है। सिद्धार्थ जी, इसमें काउंटडाउन में चलता क्या रहता है? चलता क्या रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं, कि चेकलिस्ट मतलब 200, 300, 400 चेकलिस्ट होते हैं। जैसे आप प्लेन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके नाक के पार सारे एक व्यक्ति कागज लेकर खड़ा रहता है, वो टिक मार करते हैं, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो इनके पास में एक चेकलिस्ट होता है, उस चेकलिस्ट में मार्क करते हैं, तो ये भी हो गया। साइंटिस्ट के चेहरे के ऊपर जो खुशी है, उसको देख के लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ नर्वस है, लेकिन ये जो चेहरे पे खुशी है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। निशान भी नर्वस होना फूड नहीं कर सकते, क्योंकि नर्वस आप होंगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी उस जगह पर, उन्हें उस जगह पर कॉन्फिडेंट ही रहना है। नर्वस हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनसे अधिक। 7 मिनट 10 सेकंड 9 सेकंड, दिल थाम के बस तैयार हो जाए। का काउंटडाउन कम हो चुका है, आप देखिए, आप 6 मिनट 43 42 41, आप ये लगातार स्थिति आप बदलती हुई नजर आ रही हैं नीचे की तरफ आज तक की टीवी स्क्रीन पर, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। और फिलहाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि आज से पहले चंद्रयान 1 पर, चंद्रमा पर जाने वाला भारत का पहला मिशन था, और वो 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर पहुंचा था, और उस दौरान चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन बिताए थे, और इस बार का हमारा ये मिशन पूरे के पूरे एक साल का है। 1,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं, लंबे इंतजार के बाद वैज्ञानिकों ने अपनी जो पूरी ताकत झोंकी हुई थी, उसके बाद आज ये ऐतिहासिक दिन। और ये देखिए, अब 6 मिनट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रयान 2 का काउंटडाउन अब कुछ ही सेकंड में, अब सिर्फ 5 ऊपर एक काउंटडाउन चल रहा है, उसको देखें आप, जो एकदम स्क्रीन पे टॉप पे चला है, 6 मिनट 14 सेकंड 12 सेकंड। आप लोग काउंटडाउन कई जगह देख सकते हैं, एक आज तक की नीचे बॉटम स्क्रीन पर और एक टॉप पर, जैसे ही विजुअल आएगा वहां पर भी काउंटडाउन। और ये देखिए, ये है वो जो साइड बूस्टर्स है, जिससे इसको ऊपर कक्षा में भेजा जाएगा, जो थोड़ी देर पहले हमारा ज्ञानवर्धन किया है सिद्धार्थ साहब ने। और इसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाने हैं, देखिए कितना नजदीक से यहाँ पर सब कुछ देखा जा रहा है। ये साइंटिस्ट की पूरी एरिया को क्या कहते हैं सिद्धार्थ जी, ये जहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हैं, इस जगह को क्या कंट्रोल रूम है, और वहीं पर 250 लोगों की मौजूदगी है? 250 वहाँ पे होंगे, कुछ लोग वहाँ पे होंगे, कुछ लोग रॉकेट के पास में होंगे, कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे होंगे, कुछ लोग GIS सिस्टम देख रहे हैं, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और कुछ लोग सुपर कंप्यूटर के ऊपर बैठे होंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं है,
ये सिर्फ है कि रॉकेट को लॉन्च को मॉनिटर करने के लिए बना हुआ। सर, एक महिला की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि तुरंत हमें डॉक्टर ज्योत्सना सिंह के पास जाना चाहिए। वी डॉक्टर ज्योत्सना, बितु करिथल और एम वनिता, इन दो लोगों ने हिंदुस्तान को महिलाओं के ऊपर नाश करने का गर्व करने का मौका दिया है, क्योंकि उनके नेतृत्व में अपने मिशन का हिंदुस्तान निकलने वाला है। जल्दी से दो लाइन में आपकी टिप्पणी। देखिए, रितु कार्यदाल तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को ही बिलोंग करती हैं और इन्होंने इस तरह के कई मिशन्स में इन्होंने पार्टिसिपेट करा है और इनका पार्टिसिपेशन हर मिशन में बहुत सक्सेसफुल रहा है। इनके बहुत सारे जैसे साइंटिस्ट अपना वर्क हमेशा किसी न किसी पेपर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, तो इनका जो मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल नेचर में भी इनका पेपर पब्लिश हो चुका है, तो इनकी काबिलियत पे मैं जितना भी बोलूँ उतना कम ही होगा। और वनिता जी के बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इनका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ये आपके पास चलते हैं। आंटू का काउंटडाउन बता रहा है, अब तकरीबन चार मिनट का वक्त बाकी रह गया है, सिर्फ चार मिनट और इंतजार और उसके बाद हम अपने मिशन पर निकल जाएंगे। और जैसा कि जिन दो महिलाओं की चंद्रयान टू मिशन की कमान संभालने वाली रितु करिथल और एम वनिता की बात हो रही है, जाहिर तौर पर उनका नेतृत्व इस देश की आधी आबादी को और मजबूती से अपनी आवाज को आगे बढ़ाने और महिलाओं के कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी डाली जाए, ये देश पूरा भरोसा करे, इसकी भी ताकत देगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, चार मिनट से कम का इंतजार, तीन मिनट। देखिए, लगातार जो घड़ी की सुइयां हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई और अब लग रहा है निशांत ऐसा कि मतलब दिल की धड़कने तो पूरे देश के लोगों की बढ़ी हुई है, क्योंकि 15 तारीख भी कुछ इशारा हमें कर रहा है और अब दिल धक धक आगे की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन फिलहाल अब इशारा इस बात का मिल रहा है कि तीन मिनट और चरण ये दोनों इंजनों को 194.68 सेकंड तक जलने के बाद सामने ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट है ये वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि ये एक अच्छा साइन है। और अब बस दो मिनट का वक्त बाकी है, तस्वीरें देखें आप, और यहाँ पर ये टेक ऑफ से बस कुछ मिनटों का वक्त बाकी है, ये देखें आप। और तीसरा चरण मिशन मार्स के बाद हाई स्टेक अगर बात की जाए तो अभी चंद्रयान टू की, और इसके बाद होगा गगनयान। चंद्रयान के बाद हम बात करेंगे गगनयान की, लेकिन देखें आपसे कुछ ही क्षणों के अंदर ये टेक ऑफ होने वाला है। और भारत का ये इंजीनियरिंग मार्वल अगर इसको कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए और पूरी दुनिया की नजर इस पे टिकी हुई है, क्योंकि इसमें करीब 13-14 पेलोड्स हैं। सिर्फ 2 मिनट से कम का वक्त बाकी है टेक ऑफ में, और चंद्रयान 2 किस तरीके से, और 16 मिनट के अंदर बताया जा रहा है कि सिर्फ 16 मिनट के अंदर ये बाहुबली, जिसका नाम आपको बताना चाहेंगे अपने वजन की वजह से, इसको बाहुबली कहा गया है, GSLV मैक 3 प्रक्षेपण 16 मिनट के बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देगा। ये इस समय हम लांच से लगभग 2 मिनट दूर है, या बाहुबली जो भी आप कहना चाहें। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे और सारे वैज्ञानिक अपने पैरामीटर्स को अपने मॉनिटर के ऊपर में बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब इस समय हम लॉन्च से करीब 1 मिनट 35 सेकंड की दूरी पर है, और ये जो चित्र आपके ऊपर दिख रहा है ये 2 S-200 के बीच में द्रवनोदक का L1 टन इंजन है। जब इसका प्रज्वलन होगा तो ये दोनों S-200 इंजन जो कि मुख्य रॉकेट के दाएं और बाईं ओर है, इनका प्रज्वलन यहाँ की कमांड से दिया जाएगा। जस्ट 1 minute 14 seconds टू लॉन्च। द वेदर हियर ऑन द लॉन्च साइड हैज बीन लिटिल क्लाउडी, but the sun is trying to kick out and the ground winds are too less. When the ground winds are less, then the vehicle is designed to take much higher loads as well. Also, the upper altitude winds have been favorable. के लिहाज से आज का दिन ऐतिहासिक मौका, यह हम सब के लिए, भारत के लिए सालों की मेहनत का नतीजा अब हमारे सामने होगा, बस कुछ सेकंड का और इंतजार। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें 2:43 पर भारत का बाहुबली GSLV मार्क 3 रॉकेट चंद्रयान 2 को चंद्र पर पतन के लिए लेकर निकलने वाला है। 30 सेकंड क्लोज शॉट ऑफ द बेस ऑफ द मार्क 3
where you will see shortly the S-200s. 18 seconds now. अब आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब आप देखिए 10 सेकंड बाकी हैं, अब मैं कुछ देर के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इसका मैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो S-200 का गेट दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले भारतीय राकेट अंकन को कोशिश करेंगे कि IR का इंफ्रारेड कैमरे का व्यू भी हमारे सामने आए तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि घोषणा की गई है सारे पैरामीटर्स सामान्य है, टिकट बाकी है, अब मैं कुछ दिन के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इसका मैं आपके देख रहे हैं, दो S-200 का गेट दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले भारतीय राकेट अंकन को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं।